नमस्कार दोस्तों, कोविड ने काम कितना आसान कर दिया है कि आप लोग वायरस, वैक्सीनेशन, एंटीबॉडी, प्रिवेंशन कितनी आसानी से समझने लगे हैं। चलिए आज HPV की बात करते हैं। जी हाँ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एक फैमिली जिसके करीब 200 सदस्य हैं और जो मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, उनके जेनिटल एरिया में पाया जाता है। कहाँ से आता है आपके बॉडी में? ये फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में एंटर करता है फर्स्ट फिजिकल रिलेशनशिप के साथ। सब में मैंडेटरी है, पहले एंटर करता है मतलब एक्विजिशन, फिर आपके जेनिटल एरिया में परसिस्ट करता है परसिस्टेंस, थर्ड इन्वेजन एंड देन लीजन, फोर स्टेजेस हैं। लेकिन यदि आपने इसको एक्विजिशन के पहले रोक लिया, एंट्री पॉइंट के पहले रोक लिया, या एक्विजिशन और परसिस्टेंस को तो पकड़ लिया, तो ये आगे नहीं बढ़ता है, इन्वेड नहीं करेगा, लीजन नहीं देगा। तो हम इसको क्यों ना बढ़ने दें, क्यों ना इन्वेड करने दें, क्यों ना लीजन बनाने दें? अरे रुकिए, ये मेल फीमेल दोनों में परेशानी खड़ी कर देता है। कैसी परेशानियाँ? चलिए फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में कैंसर सर्विक्स, कैंसर वेजाइना, कैंसर वल्वा। मेल की बात करें तो कैंसर पेनिस। दोनों की बात करें तो कैंसर ऑफ एनोरेक्टल एरिया, गट पाइप लोअर पोर्शन, कैंसर ओरोफेरेंजियल एरिया, ओरल कैविटी। ये तो कैंसर हो गया, ये तो बेनाइन भी नहीं छोड़ता। वार्ट्स, जी हाँ, जेनाइटल एरिया में होने वाले वार्ट्स मेल फीमेल दोनों में, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। और जानते हैं सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसकी रिलेशनशिप इन सब चीज़ों के साथ में, कैंसर्स के साथ में और वॉट्स के साथ में साइंटिफिकली प्रूवन है। अब सोचिए, यदि हम इसकी एंट्री होने से पहले ही इसको रोक लें, प्रिवेंट कर दें, तो क्या होगा? क्या हम इन बीमारियों से अपने को बचा पाएंगे? जी हाँ, यदि इसका कोई वैक्सीन हो जो इसकी एंट्री से पहले ही आप ले लें, और पहले का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फिजिकल रिलेशनशिप होने से पहले यदि दे दिया जाए, तो इसकी एंट्री को चेक कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि यदि हम उसके बाद में इसको देते हैं, तो ये जो पहले से HPV है या जो स्ट्रेन्स बाद में आपको इन्फेक्ट करते हैं, उस पर इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और ये वैक्सीन सन 2006 से हमें मालूम है, और अभी तक उसको रूटीन शेड्यूल में नहीं ला पाए। कब दें इसको? इसे हमें देना चाहिए 9 से 13 साल की उम्र वाली बच्चियों को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, यदि हम बच्चियों के 9th बर्थडे के बाद और 15th बर्थडे होने से पहले देते हैं, तो हमें इनकी दो खुराक देनी पड़ेगी, जो कि समझिए एक लगी, उसके 6 महीने बाद दूसरी लगेगी। यदि दोनों के बीच का अंतराल 5 महीने से कम होगा, तो 3 खुराक लगेंगी। यदि आप 15 साल के बाद लेना चाहते हैं, तो 15 साल के बाद भी आप ले सकते हैं, रिकमेंडेड है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि तब तक आपका फिजिकल रिलेशनशिप हो जाएगा ऐसा एज्यूम्ड है। तो आप जब वैक्सीन लेते हैं, तो उसकी एफिकेसी उसके लिए अफेक्ट होगी। एक बात और याद रखिए, ये जो वैक्सीन्स हैं, ये उन स्ट्रेन्स के अगेंस्ट बनाए गए हैं जिनको एक एटियोलॉजिकल फैक्टर कैंसर्स और वॉट्स के लिए पाया गया है। यदि मैं आपको नंबर बताऊं, तो 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, 9 हैं, देखिए। अब चलते हैं, यदि 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट वैक्सीन है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? नैनोवेलेंट, जो कि इंडिया में मिलता ही नहीं है, कंफ्यूजन दूर हुआ। वो केवल US में मिलता है और वहाँ पर केवल नैनोवेलेंट ही लगाया जाता है। हमारे यहाँ मिलता है बायवेलेंट, जिसमें 2 स्ट्रेन्स हैं, 16 और 18, जो सीधे कार्सिनोमा सर्विक्स से रिलेटेड हैं। दूसरा मिलता है क्वाड्रीवेलेंट, मतलब 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट काम करेगा, तो वो 6, 11, 16, 18, 6, 11 स्ट्रेन फॉर वॉट्स, 16, 18 फॉर कैंसर सर्विक्स। इनकी खुराक WHO शेड्यूल के हिसाब से दी जाती है।
अब देखिए 2017 तक केवल 71 कंट्रीज ने इस वैक्सीन को अपने एडोलेसेंट वैक्सीन शेड्यूल में शामिल किया। हमारे यहाँ भी कोई नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये इंक्लूडेड नहीं है, जबकि हम ये जानते हैं कि ये कार्सिनोमा सर्विक्स को 70% प्रिवेंट कर सकता है, एनोरेक्टल कैंसर को 80% प्रिवेंट कर सकता है और ओरोफेरेंजियल कैंसर को 90% प्रिवेंट करता है। आइए हम भी चलें और इसको लगवाएं, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी फ्रेंड, अपनी पत्नी। हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसे हम नहीं लगवा पा रहे, इसके लिए क्या चैलेंजेस हैं? इसके चैलेंजेस ये हैं कि एक बच्ची अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती है, इनिबिशंस हैं, एक टैबू है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी से कनेक्टेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सोचती हूँ यदि स्कूल्स एक मीडियम का काम करें, एक व्हीकल का काम करें और आगे आएं, तो शायद हमारे देश में भी इस वैक्सीनेशन का परसेंटेज हम मोर देन 90% कर पाएंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके अड़ोस पड़ोस, आपके घर, आपकी फैमिली में जो भी इसके लिए एलिजिबल है उसको ये लगवाएं। डॉक्टर की सलाह से लगेगा, हॉस्पिटल में लगेगा, ट्रेंड स्टाफ आपको लगाएगा। इसका कोई खास रिएक्शन नहीं होता है, इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में लगता है, डेल्टॉइड में लगता है, जैसे किसी भी इंजेक्शन के साथ हल्का सा पेन होता है या हल्की सी स्वेलिंग हो सकती है, बस उतना ही होता है। पर इसको हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर लिखवाएं, डोजेस की डेट तय कराएं और एक ट्रेंड स्टाफ से लगवाएं। अपना और अपने बच्चों का, खुद का भविष्य सुरक्षित रखें, ये जानते हुए कि यदि आप 9 से 15 साल के बीच में लगवाती हैं तो प्रोटेक्शन एफिशिएंसी कहीं ज़्यादा है, यदि उसके बाद आप लगवाती हैं, रिकमेंडेशन तो 45 इयर्स तक का है, तो उसकी एफिकेसी उतने ही उसी अनुपात में कम होती जाती है। तो देर करने की ज़रूरत क्या है, आइए चलें, आज लगवाते हैं हम HPV वैक्सीनेशन। थैंक यू।